मूवी कैसे लगी आपको? अच्छी लगी। पुष्पा टू पहले पुष्पा से कितनी अलग थी? बहुत अलग। पुष्पा के राज पता चला इस फिल्म में? और पुष्पा और समानता की केमिस्ट्री की बात करें, इसमें कैसी लगी उन दोनों? अच्छी लगी। और फिल्म को कितनी रेटिंग देना चाहोगे आप? ऑडियंस को कोई मैसेज की पुष्पा कैसी है? अच्छी है और देखना अच्छे से। थैंक यू। मूवी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। और इसमें अल्लू अर्जुन की बात करें तो उनकी एक्टिंग और केमिस्ट्री अलग लेवल पे दिखाया गया है पुष्पा टू में, तो उनकी कैसी लगी? समानता कैसी लगी? और साइम उसकी एक्टर की बात करें तो कैसी लगी आपको उनकी एक्टिंग? इसमें थोड़ा मारधाड़ को ज़्यादा सस्पेंस दिखाया गया था। और फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे आप? थैंक यू। कैसी लगी आपको पुष्पा टू? इस मूवी की फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कौन सी ज़्यादा इंगेजिंग लगी आपको? सेकेंड पार्ट। क्या बात है। पुष्पा की एक्टिंग पुष्पा डबल डोज के साथ में आया तो आपको कैसा लगा पुष्पा? अच्छा लगा। पुष्पा की कोई डायलॉग आपको याद है इस बार? याद है। और पुष्पा को कितने स्टार देना चाहोगे आप? 5 स्टार। थैंक यू। कैसी लगी सर आपको पुष्पा टू? पुष्पा टू एकदम अच्छा है। पहला था, अभी दूसरा भी देख लेंगे। क्या बात है। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कौन सी ज़्यादा इंगेजिंग रही आपको? चुकी है गणेश सर जो उसका डायलॉग है, और उनका जो दादा है वो रामलिंग है। हम लोग उसी के टाइम का उसका भी पिक्चर देख गए, उसके बाद में उसका पोता है उसका भी, उसका मामा चिरंजीवी है उसका भी हम लोग के। तो पुष्पा टू की बात करें, इस बार डबल डोज के साथ पुष्पा टू आया तो अभी क्या एकदम अच्छा लगा। अभी 3 भी, अभी उससे भी डबल डोज में आ जाएगा करके सोच। पुष्पा के गाने कितने पसंद आए आपको? सभी गाने अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। अच्छा है स्कूल में लेने डर है। प्लीज सॉरी। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कौन सी ज्यादा इंगेज? दोनों अच्छा है। और अगर पुष्पा की बात करें तो पुष्पा के सॉन्ग कैसे लगे आपको? पुष्पा से पहला वैसे थोड़ा अलग है, लेकिन पहला पुष्पा पिक्चर उसमें मूवी एकदम वो भी अच्छा है, उसमें गाना भी एकदम मस्त है, और इसमें एक ही थोड़ा अच्छा लगा। पुष्पा की कोई डायलॉग आपको याद है उसके पोज? वही चुकेगा नहीं पार्ट 1 मैंने ही गलत रिव्यू दिया था। गलत नहीं, अच्छा रिव्यू नहीं दिया था क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया था, क्योंकि वैसा मूवी बना नहीं। मुझे ऐसा लगा कि गाना कट स्टार्ट पता नहीं कहाँ हो रहा है, और ये मूवी में गाना कट टू कट जा रहा है और मूवी लाइन में जा रहा है और मूवी देखने लायक है। क्या बात है। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कौन सी ज़्यादा इंगेजिंग रही आपकी? फर्स्ट हाफ कैसा है कि मूवी आपको लाइन में लेके जा रहा है, एक चैलेंजेस दे रहा है। फात फसील को वो जाके छेड़ रहा है, मतलब वो आके इसको पकड़ रहा है, ये जाके उसको मिल रहा नहीं है, वैसा मूवी चल रही है। एंट्री सीन जापान से होती है, लाजवाब सीन बताया, सब एक्शन वगैरह मस्त बताया, ये इंटरनेशनल में भी जाता है वगैरह सब बताया। और फिर फर्स्ट हाफ में जो क्लाइमैक्स के सीन्स होते हैं वो भी सारे अच्छे। भाई देखो यार, पक्का मूवी देखो। इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो ओवरऑल डायरेक्शन कैसे लगे? सुकुमार सर क्या राइटिंग से वो डायरेक्शन लेवल, पार्ट 1 में नहीं दिखाया तो भी पार्ट 2 में सबका मूवी कैसा होता है मालूम है? पार्ट 1 में चलता है तो पार्ट 2 किसी का नहीं चलता है। बाहुबली चली, उसके बाद देखा जाएगा तो यही मूवी है जो चली। मुझे ना सलार पसंद आया ना कुछ पसंद आया, ये पुष्पा द रूल करेगा ही करेगा। क्या बात। ओके, पुष्पा 2 की बात करें, पुष्पा 1 की बात करें तो कितना अलग लगा आपको पुष्पा 2? पुष्पा 2 मतलब पुष्पा 1 देखने के बाद जो एक्साइटमेंट थी उतनी नहीं रही इंटरवल पर, क्योंकि पुष्पा 1 तो उस टाइम पे अलग था। जैसे अंदर देख रहा हूँ तो एकदम थिएटर शांत हो गया एकदम, मतलब एंट्री लेवल का तब ठीक था, बाद में शांत हो गया एकदम। मैंने द राइज देखी थी 2021 में, जो सुकुमार ने ही डायरेक्ट की थी, और वो भी एक मास्टरपीस थी। ये मूवी को भी अगर एक वर्ड में बोलना हो तो मास्टरपीस है, क्योंकि फुल ऑन एंटरटेनर है। एक्शन हो, इमोशन हो, ड्रामा हो, अच्छा म्यूजिक हो, एडिटिंग लोग बोलेंगे कि 3 घंटे 20 मिनट की है बट यू विल लूज ट्रैक ऑफ टाइम, वो मूवी 3 घंटे की थी, ये 3 घंटे 20 मिनट की है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग मूवीज ड्यूरेशन की टाइम उससे देखे तो, बट फिर भी ये लोगों को एंटरटेन करेगी। इट इज़ वेरी ग्रिपिंग, वेरी इंग्रॉसिंग, और रश्मिका मंदाना के साथ उनकी जो केमिस्ट्री है बहुत ही हॉट और सिजलिंग है। फहद फासिल आउटस्टैंडिंग एक्टर, फाइनेस्ट एक्टर्स, उसके साथ साथ जगपति बाबू हो या धनंजय हो या प्रिया मणि, जितने भी एक्टर्स हैं सबके, सुनील और रमेश राव, ऑल ऑफ देम हैव डिलीवर्ड फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस। इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है वो पोलिश है, पोलैंड को बिलोंग करते हैं, तो मिरोस्लाव ब्लोजेक उनका नाम है, उन्होंने भी बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी की, हर एंगल से बहुत अच्छे से सीन शूट किए गए हैं। नवीन नोली की एडिटिंग बढ़िया है, म्यूजिक देवीश्री प्रसाद का कमेंडेबल, डायरेक्शन इज रिमार्केबल बाय सुकुमार, बहुत ही एंटरटेनिंग है, मास एंटरटेनर है, लोग अंदर इंजॉय कर रहे थे, और तालियां सीटियां बज रही थी। उनकी नोक झोंक, उनका जो प्यार, उनका यू नो अपनापन बहुत ही बढ़िया लगा।
और मूवी ऑल आउट एक्शन मूवी है, बट उसके बीच में आपने रोमांस भी डाला है, ड्रामा भी डाला है, इमोशंस भी डाले हैं. अगर एक्शन के साथ इमोशन का तड़का लग जाए तो फिर और ही चाहिए. सो ग्रिपिंग, सो इंग्रॉसिंग, क्लाइमैक्स बहुत ही बढ़िया है और कहीं भी कोई बनावट नहीं. पुष्पा 3 भी आने वाली है ऐसा अनाउंसमेंट. द रैम्पेज, तो द राइज द रूल के बाद अभी द रैम्पेज, और द रैम्पेज और भी ज्यादा धमाकेदार और भी ज्यादा इंग्रॉसिंग मूवी जैसे लगता है. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें. 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद.